कोरोना से लड़ने की हुई बड़ी तैयारी, भारतीय रेल ने निभाई जिम्मेदारी। ऑपोजिशन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन गुलाम नबी आजाद जी, आनंद शर्मा जी और सभी दलों के नेताओं का, सभी माननीय सदस्यों का के सर्वसम्मति से हम इसको आज इस प्रस्ताव को पारित कर रहे हैं। और वास्तव में पूरे विश्व में आज ना सिर्फ भारत के नेतृत्व की पर पूरे देश की हर एक संस्था की, चाहे वो हमारे अस्पताल डॉक्टर हो, नर्सेज हों, एविएशन से जुड़े हुए लोग हो, हमारे पायलट्स और उनकी क्रू हो जिन्होंने जाके विदेशों से भी भारतीयों को वापस लाए, पूरे विश्व में आज देश की सराहना हो रही है, देश की तारीफ हो रही है। रेल कर्मचारी दिन रात लगे हैं रेल को कैसे, और रेल की तो व्यवस्थाएं आप जानते हैं कैसे गहरे देश के कोने कोने तक जाती हैं, उसको साफ सुथरा रखना, उसको उसको सैनिटाइज करना, एक प्रकार से देश में आम भावना इस संकट के साथ लड़ने की है और संकट में विजय प्राप्त करने की है। और हम सब इसमें शामिल हैं, हम सब इसमें पूरा सहयोग दे रहे हैं। मीडिया का खास तौर पे सरकार की और देशवासियों की तरफ से मैं धन्यवाद करूंगा कि बड़ा संतुलन और बहुत पॉजिटिविटी से उन्होंने इस मैसेज को देश में बढ़ाया है। सभी हमारे डॉक्टर्स, हमारे सब मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, हमारे सभी कानून व्यवस्था संभालने वाले कर्मचारी, एक प्रकार से देश में एक अलग ही भावना से इस संकट का सामना किया जा रहा है। माननीय आनंद शर्मा जी को भी मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहूँगा, वो कानून जो एपिडेमिक एक्ट है और जो कल का नोटिफिकेशन है वो भी ये कहता है कि जो इसेंशियल सर्विसेज और रिक्वायरमेंट्स देश के सामने, जैसे कोई डॉक्टर है 65 साल से ज़्यादा है लेकिन आज देश की सेवा कर रहा है, ऐसे ही अलग अलग प्रकार से देश में जो एसेंशियल लोग ड्यूटी पे जाते हैं उनके लिए उस कानून में एग्जेम्पशन है। एक प्रकार से पार्लियामेंट भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहा है। आज बजट पार्लियामेंट के समक्ष है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज की डिमांड्स पे भी चर्चा जारी है, लोकसभा में फाइनेंस बिल पारित होके फिर राज्यसभा में आएगा हमारे चर्चा के लिए, और वो भी एक प्रकार से बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि 1 अप्रैल हाल में 10 दिन बाद आने वाली है। देश के खर्चे, आखिर हम कोई, कई देश ऐसे हैं जहाँ पे बजट लैप्स हो जाते हैं और एक्चुअली सरकारी दफ्तरों में भी ताला लग जाते हैं। भारत में पहले की तरह हम कोई वोट ऑन अकाउंट नहीं करते हैं, अब बजट 1 अप्रैल से बजट के अनुसार ही खर्चे होते हैं, तो सरकार को भी चलाने के लिए बजट पारित करना एक प्रकार से बड़ा इसेंशियल एक्टिविटी है। साथ ही साथ एक पूरे देश के जनता को एक मैसेज भी जाता है कि ये सही माने में लीडरशिप का एक प्रतीक है, एक लीडरशिप दिखाई जा रही है पार्लियामेंट के माननीय सदस्यों द्वारा कि हम आगे, वी आर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, हम अपनी जिम्मेदारी को निर्वाह कर रहे हैं और देशवासी भी हमारा इसमें समर्थन दे। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। धन्यवाद।